गैंग मर्डर केस का खुलासा, सगा भाई ही निकला भाई का कातिल। थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम सोनई में विगत 11 अगस्त की रात हुए शिवम चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुलासे में चौंकाने वाला सच सामने आया, जिसमें मृतक शिवम चौहान का सगा बड़ा भाई सूरज भुटिया का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त सूरज उर्फ विक्की ने बताया कि उसके भाई शिवम की आक्रामक हरकतें और शराब की लत से पूरा घर परेशान हो चुका था। इसी से परेशान होकर उसने अपने भाई की हत्या की साजिश रची। इस साजिश में उसके दो दोस्त अभिषेक राणा और रामेंद्र कृष्ण भी शामिल थे, जिन्होंने पिस्टल, कारतूस, नशीली गोलियां सप्लाई की थी और हत्या की पूरी प्लानिंग में साथ रहे। पुलिस ने अभियुक्त सूरज उर्फ विक्की की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट, स्प्राइस की बोतल और मोटर बरामद कर ली है। एसपी अजय कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज विक्की और अभिषेक राणा को जेल भेजा जा रहा है। तीसरे अभियुक्त रामेंद्र उर्फ जॉनी को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक की मां ने 12 अगस्त को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अगले ही दिन गाँव के ही 4 लोगों को नामजद करते हुए दूसरी तहरीर दी गयी थी। पुलिस ने गहनता से पूरी मामले की जाँच करते हुए घटना का सटीक खुलासा कर दिया। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी अजय कुमार ने 20,000 रुपए का इनाम दिया। सर, कुरावली के शिवम चौहान वाला एक हत्याकांड का आपने खुलासा किया, पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला थाना कुरावली जनपद मैनपुरी का है। इसमें 12 अगस्त की सुबह सुबह एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान शिवम कुमार चौहान के रूप में हुई थी। इसमें हमारी सभी टीमें पहुंची थी, घटनास्थल पर बारीकी से मौका मुआयना किया गया था। एक तहरीर अज्ञात में मिली थी कि अज्ञात लोगों ने हत्या की है, ब्लाइंड केस था, जिसका हमारी पुलिस टीम ने खुलासा कर दिया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों में से एक उसी मृतक का सगा बड़ा भाई है, जो अपने को बता रहा था कि दिल्ली में रहता है और उस दिन दिल्ली में था। हालांकि उसकी मोबाइल की लोकेशन इत्यादि जब देखी गई तो वो घटनास्थल पर मौजूद था। एक दिन पहले ही वो होटल में आकर के, TRN होटल है यहाँ पर, वहाँ रुक करके वो रात भर रहा। उसके बाद अपने 2 दोस्तों अभिषेक राणा और जॉनी के, रामेंद्र कृष्ण और जॉनी के साथ मिलकर पूरी घटना की प्लानिंग की। रामेंद्र कृष्ण और अभिषेक राणा ने इसको एक पिस्टल करीब 30,000-32,000 रुपये में एक पिस्टल सप्लाई की, लेकिन जब घटना के दिन ये पिस्टल नहीं चली तो पिस्टल की जगह इसने ईंट रखी थी, ईंट के प्रहार से सिर पे प्रहार किया और उसकी मौत हो गई। इसमें नशीली गोलियां भी उसको खिलाई गई थी पहले, ईंट मारने से पहले। इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है, ईंट जिसमें बाल और खून लगे हैं वो बरामद किया गया है, एक स्प्राइट का बॉटल जिसमें स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां डाल के भाई को पिलाई गई थी वो सब बरामद कर लिया गया है। इस तरह से पूरी बरामदगी करते हुए इस सगे भाई सूरज उर्फ विक्की, जो मुख्य अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बयानों के आधार पर जानकारी मिली कि अभिषेक राणा और रामेंद्र कृष्ण जॉनी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरी प्लानिंग में साथ थे। अभिषेक राणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रामेंद्र कृष्ण जॉनी अभी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस तरह से इसमें घटना का सही सही खुलासा करके सही मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है। बाद में आपको बताना चाहूँगा कि 4 और लोगों को नामजद करते हुए इसमें तहरीर आई थी, जो कि पूरी तरह से फर्जी साबित हुई है। उसको देखा गया कि ये घटना को डाइवर्ट करने के लिए इसी सूरज उर्फ विक्की और इसके साथ वाले जो गाँव के हैं, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने मिल करके गलत नामजदगियाँ करवाई थी, ताकि कोई निर्दोष भी इसमें जेल चला जाए। लेकिन पुलिस की काबिलियत से, मेहनत से 4 निर्दोष लोग जेल जाने से बचे हैं। साथ ही साथ जो मुलजिम थे वो सभी गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। एक शेष मुलजिम बहुत ही जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के सही खुलासे के कारण पूरी टीम को, शिव कुमार चौहान, सर्विलांस की जो टीम है उसको, सभी को 20,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया जाए। सर, बजट जो मोटिव सामने आया है वो ये है कि ये जो मृतक है वो शराबी था और 5-6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में, जिसके कारण से इसकी दिमागी हालत थोड़ा सा नॉर्मल से डिफरेंट थी। कभी कभी अचानक ये आक्रामक हो जाता था और घर वालों का गला दबाने लगता था। इस चीज़ से घर वाले काफ़ी परेशान थे और इसी सब को देखते हुए सूरज उर्फ विक्की ने इसके मर्डर की प्लानिंग रची, ताकि इसको ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो किसी न किसी आदमी को घर के मार सकता था, ऐसा इसका बयान है।
और इस मोटिव के तहत इसने बिल्कुल शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया ताकि ये पकड़ा ना जाए। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से और अच्छी कार्यप्रणाली से बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है और सही मुलजिमानों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।